हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार गाइड। मेरा नाम है ऋषभ और आज जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा पेट्रोल फेसलिफ्ट हाइब्रिड वेरिएंट के जो प्राइसिंग है अनवील कर दिए गए हैं। कम्प्लीटली गाड़ी को लॉन्च कर दिया गया है। प्रॉपर कलर स्कीम्स, वेरिएंट्स कौन से आएंगे, सब कुछ आपके सामने आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ और आपके साथ बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट भी बताऊँगा। ड्राइव रिव्यू अभी बाकी है, वो अगली वीडियो में, लेकिन आज प्राइसिंग की बात करते हैं स्पेसिफिकली। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इसमें जो कलर्स आने वाले हैं वो टोटल 6, प्लैटिनम सिल्वर, टॉर्क ब्लू, पर्ल एक्टिक वाइट, ग्रेनाइट ग्रे, ऑटम ऑरेंज एंड सिजलिंग रेड। इसी में आपको ड्यूल टोन ऑप्शंस भी मिलेगी, रेड के साथ ब्लैक, ग्रे के साथ ऑरेंज और ब्लू के साथ ब्लैक एज वेल। कलर्स यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ब्रेजा की प्राइसिंग से पहले आपको बता दूँ कि अगर आपके पास एक पुरानी गाड़ी है जिसे आप बेचना चाहते हैं तो कास्ट 24 एक कमाल के ऑप्शन है। अपनी गाड़ी की बेस्ट वैल्यू जाने फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल ओवर इंडिया, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, क्लिक करें अभी के अभी। मारुति ब्रेजा जो BS6 पेट्रोल वाले जो प्राइसिंग है वो थोड़ी सी मुझे लगता है कि ज़्यादा आई है, बट लेट्स सी। आप मुझे बताएं, अभी प्राइसिंग बताता हूँ आपको, आप अपना ओपिनियन भी नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द प्राइसिंग। LXi 7.34 lakhs एक्स शोरूम प्राइस, ज़्यादा है ना, मुझे भी लगा ही था। इसके साथ साथ फिर आया था VXi 8.35, ZXi 9.10, ZXi प्लस 9.75। यहाँ पर VXi में आपको ऑटोमेटिक ऑप्शन भी मिलती है विद स्मार्ट हाइब्रिड, तो वो भी आपको 9.75 की ही मिलने वाली है। देन वी हैव दी ZXi प्लस ड्यूल टोन 9.98, ZXi ऑटोमेटिक 10.50, ZXi प्लस ऑटोमेटिक 11.15 और ZXi प्लस ऑटोमेटिक ड्यूल टोन 11.40। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो लाइक ड्यूल टोन वेरिएंट्स हैं उसमें आपको प्राइस का फ़र्क आ रहा है 23,000 रुपीज़ का पहले वाले में और दूसरे में आ रहा है 25,000 रुपीज़ का। तो ड्यूल टोन का बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं मांग रहे, मतलब सिर्फ ब्लैक रूफ करने के 25,000, चलो कोई बात नहीं, या ब्लैक या जो भी ऊपर रूफ ऑरेंज कर रहे हैं या ब्लैक और ऑरेंज वाली रूफ मिल रही है आपको, 25,000 थोड़े ज़्यादा ज़रूर लगते हैं। ऑटोमेटिक और मैनुअल के बीच में जो फ़र्क है वो आ रहा है, ZXi ऑटोमेटिक की बात करें तो वही 1,40,000 का आपको जो डिफरेंस है देखने को मिलेगा ऑटोमेटिक की वजह से। टॉक कन्वर्टर है आई नो, बट थोड़ा फिर भी ज़्यादा है, इतनी प्राइस थोड़ी सी इसकी कम होनी चाहिए थी, इट्स ओके। BS6 है, हाइब्रिड इंजन है, 1.5 लीटर का है एंड ऑटोमेटिक्स में टॉक कन्वर्टर मिल रहा है। अब आप मुझे बताएं आपको इस गाड़ी की प्राइसिंग कैसी लगी, नीचे कमेंट ज़रूर कर दें। वैल्यू फॉर मनी की अगर मैं आपसे बात करूं तो मुझे लगता है ZXi प्लस जो वेरिएंट है ना, मैनुअल और ऑटोमेटिक वाला, वो बढ़िया हो सकता है। मैनुअल वाला आपको 9.75 का पड़ता है एंड ZXi प्लस ऑटोमेटिक आपको 11.15 का, तो वो मुझे नहीं लगता कि आपको ड्यूल टोन वाली साइड जाना चाहिए, वो बाहर से करवा लेंगे तो बेटर है, बिकॉज 25,000 जस्ट फॉर अ ब्लैक रूफ मुझे लगता है कि थोड़े ज़्यादा है। बट व्हाट डू यू थिंक ब्रेजा की प्राइसिंग, नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दें। आपको बता दूं कि जो इसकी ड्राइव है, वॉक अराउंड तो चलो हम कर चुके हैं, वो आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ड्राइव है वो भी बहुत जल्द अपलोड हो जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें। इतनी जल्दी आपके लिए वीडियो बनाएंगे, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।